हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत रशियन नेवी का Ka-29 हेलीकॉप्टर एक अनमैंड सरफेस वेसल को टारगेट कर रहा है, जो कि एक बोट है। और इस वीडियो में जो खास बात है वो ये है कि इस बोट में सेल्फ डिफेंस के लिए एक एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, जो कि मोस्ट लाइकली R-73 है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है और चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पुरानी रशियन मिसाइल्स को इफेक्टिवली सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ हमने यमन के हुतीज़ द्वारा भी इस्तेमाल करते हुए देखा है, साथ ही साथ इंडिया द्वारा खुद समर एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है, जो कि अगेन एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। और यहाँ पर भी R-73 मिसाइल को यूज़ किया जाता है एज अ मेकशिफ्ट सरफेस टू एयर डिफेंस के तौर पर। तो R-73 मिसाइल को स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि इस मिसाइल को टारगेट को लॉक करने के लिए और अपने आप को गाइड करने के लिए किसी दूसरे सिस्टम का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। ये स्टैंड अलोन काम कर सकती है और अपने खुद के सीकर से टारगेट को लॉक कर सकती है और गाइड होने में सक्षम है। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और सरफेस टू एयर मोड में ये कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको दे देगी। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में ये रेंज देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और हेलीकॉप्टर के लिए खासकर ये एक बड़ा थ्रेट बन जाती है, क्योंकि वो स्लो मूविंग है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले सेल्फ डिफेंस वहाँ पर इतना इफेक्टिव नहीं है। तो भले ही ये हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, लेकिन एक थ्रेट जोन ये बना देंगे, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो 10 से 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इनसे मेंटेन करेंगे और इफेक्टिवली ऑनबोर्ड जो गन सिस्टम दिया गया है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके रेंज से बाहर होगा। तो ये USVs जो हैं, ये पहले ही रशिया के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉरशिप्स इनके डैमेज भी हुए हैं, साथ ही साथ कुछ तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हुए हैं, और अब ये एडेड मॉडिफिकेशन भी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो बोट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मोस्ट लाइकली एक नहीं दो R-73s कैरी करती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और रेल दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि एक रेल यहाँ पर पहले ही लॉन्च करी गई है, पर रशिया की साइड से या फिर यूक्रेन की साइड से ऐसा कोई क्लेम नहीं आया है जहाँ पर ये कहा जा रहा हो कि कोई हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय किया गया है इनके द्वारा। तो मोस्ट लाइकली ये मिसाइल जो लॉन्च हुई होगी, इसने सक्सेसफुल इंटरसेप्शन नहीं किया होगा। बाकी कुछ कयास यहाँ भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है यूक्रेन द्वारा जानबूझकर दिन में ये USVs इन मिसाइल के साथ लॉन्च किए गए होंगे, इनकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ताकि वो ये देख पाए कि जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में इनका ये जो मॉडिफिकेशन है कितना सक्सेसफुल साबित होता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये मिसाइल्स कैपेबल तो काफ़ी हैं, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो R-73 यूज़ करी जा रही हैं ये पुरानी हैं, जहाँ पर आपको ऑफपोर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज के अराउंड की मिलती है, जो कि मॉडर्न R-73 के वर्जन से कम है। मॉडर्न R-73s ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज तक ऑफ पोर टारगेट को लॉक कर सकती हैं। तो अगर ये मिसाइल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रही हैं, तो पीछे से आते टारगेट्स को ये लॉक करने में सक्षम नहीं रहेंगी। और जो वीडियो यहाँ पर रशियन MOD द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें ऐसा ही लगता है कि ये हेलीकॉप्टर इस बोट को चेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये मिसाइल लॉन्च होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जो इनका USV है, ये डिस्ट्रॉय होने से पहले एग्रेसिव मनूवर परफॉर्म कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, पर वो उसमें सक्सीड नहीं कर पाती है। तो ये USV मोस्ट लाइकली यूक्रेनियन Magura V5 है। तो Magura V5 एक छोटी निम्बल USV है, जो कि करीबन 1000 किलोग्राम की है और 200 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। यहाँ पर इसकी रेंज करीबन 800 किलोमीटर की बताई जाती है और कॉम्बैट रेडियस करीबन 400 किलोमीटर का बताया जाता है। तो ये USV कई इंपॉर्टेंट रशियन वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने में कारगर रही है। और इस USV की खास बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल है, तो ये मूविंग वेसल्स को भी टारगेट कर सकती है। तो अगर हम अभी तक यूक्रेनियन क्लेम की बात करें, तो अभी तक इसके द्वारा लैंडिंग क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है, बड़े लैंडिंग शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, पेट्रोल शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि इसके कॉस्ट और कैपेबिलिटी के हिसाब से बड़ी विक्ट्रीज़ हैं। तो ये जो रशियन USVs हैं और अब इनमें जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, ये शोकेस करता है कि खाली जो लैंड वॉरफेयर है उनमें बदलाव नहीं आ रहे, बल्कि सी वॉरफेयर भी काफ़ी हद तक बदल रहे हैं और अनमैंड सिस्टम का जो यूसेज है वो भी काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट बन रहा है।
तो इन चीज़ों से हमें भी सीख लेने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।